साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि नसीम शाह का इवेंट से बाहर होना बड़ा धचका है। मुश्ताक अहमद बोले, जमान को बतौर स्ट्राइकर बॉलर इस्तेमाल करना होगा। मोहम्मद यूसुफ बोले, जमान खान के पास पेस है, मायूस नहीं करेगा। नसीम शाह नया बॉल करता था तो उसकी जगह नसीम शाह, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि शाहीन के साथ उसका पेयर बना हुआ था और दोनों ही विकेट टेकर बॉलर थे, तो साथ में इसकी जो जगह है जमान की, ये मेरे ख्याल में अर्ली ऑन नए बॉल को इस्तेमाल करना आता है, इसको आउट करने आते हैं प्लेयर्स को। बहुत अच्छा बॉलर है, अब होपफुली उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बीच में उसको इस्तेमाल किया जाए, जब विकेट की जरूरत हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, रन रोकने हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको स्ट्राइकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। उसकी बॉलिंग में वैरायटी है, वो नया बॉल भी करता है, डेप्थ बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, यॉर्कर्स हैं, स्लो बॉल करता है, पेस उसकी बहुत अच्छी है। नसीम शाह नया बॉल करता था तो उसकी जगह नसीम शाह, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि शाहीन के साथ उसका पेयर बना हुआ था और दोनों ही विकेट टेकर बॉलर थे, तो साथ में इसकी जो जगह है जमान की, ये मेरे ख्याल में अर्ली ऑन नए बॉल को इस्तेमाल करना आता है, इसको आउट करने आते हैं प्लेयर्स को। बहुत अच्छा बॉलर है, अब होपफुली उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बीच में उसको इस्तेमाल किया जाए, जब विकेट की जरूरत हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, रन रोकने हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको स्ट्राइकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। उसकी बॉलिंग में वैरायटी है, वो नया बॉल भी करता है, डेप्थ बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, यॉर्कर्स हैं, स्लो बॉल करता है, पेस उसकी बहुत अच्छी है।